हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा विंडोज़ 10 के बारे में। हाँ गाइस, आप विंडोज़ 10 किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके लिए आपको कोई भी पैसा जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको विंडोज़ 10 में जितने भी फीचर्स मिलते हैं इसमें भी आपको उतने फीचर्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपको एक अच्छा फीचर जो इसमें मिलता है वो है आप इसमें रिसाइकल बिन जो है वो ऐड आपको अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कुछ गलती से डिलीट भी कर देते हैं तो वो फाइल रिसाइकल बिन में चला जाता है और उसके बाद आप बाद में उसको डिलीट जो है वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जिप भी जो है वो अनजिप कर सकते हैं, अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो ये अलग क्यों है दूसरे लॉन्चर से? तो मैं पहले तो ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ, तो ये कोई लॉन्चर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन की तरह है। और इसको अगर आप ओपन करते हो तो ही ये ओपन होके जो है आपको विंडोज़ 10 के सारे फीचर्स देगा और सारे लुक भी जो है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसको आप लॉन्चर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन प्ले स्टोर में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे लॉन्चर मिलेंगे, लेकिन उन लॉन्चर्स में आपको देखने को मिलता है विंडोज़ 7 या फिर हो सकता है विंडोज़ 8, हो सकता है, मैंने कभी देखा नहीं। विंडोज़ 8 का मैंने जितने भी लॉन्चर देखे हैं वो सब विंडोज़ 7 के हैं, लेकिन इसमें आपको विंडोज़ 10 मिलता है और इसमें आपको कोई लैगिंग वैगिंग देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही अच्छी है और बहुत ही स्मूथ है, बस 3 MB का ऐप है। हाँ गाइस, 3 MB का ऐप है और आपको इतने सारे फीचर्स भी जो है वो मिल जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके वीडियो शुरू करते हैं, चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं हमें कैसे करना है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते तो आपको मिलती है डेली एक नई वीडियो न्यू टाइप की, तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं और जान लेते हैं हमें कैसे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने फ़ोन ओपन कर लिया है और आपको जो है विंडोज़ 10 नहीं देखने को मिला है, क्योंकि पहले आपको वो विंडोज़ 10 प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए चले जाते हैं पहले प्ले स्टोर पर और उस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, विंडोज़ 10 फाइल मैनेजर इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और इस ऐप पे आके इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। तो अभी मैं इस ऐप को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कितने फीचर्स और क्या लुक जो है आपको मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पूरा विंडोज़ 10 का लुक यहाँ पर आपको मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हो आप, रिसाइकल बिन, बहुत सारे लॉन्चर में ऐसा होता है कि रिसाइकल बिन बस एक आइकॉन की तरह ही दिखता है, बाद में उसको अगर आप डिलीट करते हो कुछ भी वो रिसाइकल बिन में नहीं आता, वो डिलीट हो जाता है। लेकिन इसमें आपको वो फीचर्स मिलता है कि आप किसी भी आइटम को अगर डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में पहले जाता है और उसके बाद आप उसे चाहे तो डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर से अगर आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो पूरे विंडोज़ 10 की तरह यहाँ पर से आपको लुक जो है वो मिलता है। यहाँ पर से आपके ऐप जो है वो यहाँ पर से आपको दिखेंगे और भी ऐप जो है वो आप ऐड कर सकते हैं सेटिंग में जाके। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे स्टोर पे तो आपको ये प्ले स्टोर ओपन करके देगा, क्योंकि ये एंड्रॉयड है इसलिए जो स्टोर ओपन करेगा। तो मैं आपको एक फ़ाइल डिलीट करके दिखाता हूँ कि ये फ़ाइल जो है वो डिलीट नहीं करता पहले। तो ये हमारा PC है, फाइल मतलब हमारे फ़ोन का फाइल मैनेजर हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद हम जाएंगे लोकल डिस्क चले जाते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में मेरा कुछ नहीं है, तो इस फोल्डर को मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। पहले लॉन्ग प्रेस कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए और डिलीट पे क्लिक कीजिए। तो देखा आपने, कुछ लैगिंग वैगिंग नहीं होता है। यहाँ पर से आप मिनिमाइज कर सकते हो इसको, यहाँ पर से आप रिसाइकल बिन में जाओगे तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा आपका डॉक्यूमेंट जो फाइल आपने डिलीट किया था। तो यहाँ पर से पहले आप इसको सेलेक्ट करके फिर से डिलीट कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा यही होता है कि अगर आप गलती से भी कुछ डिलीट करते हो तो वो डिलीट नहीं होता, पहले आपके रिसाइकल बिन में जाता है, PC की तरह काम करता है। और यहाँ पर से अगर आप मोर पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जिप अनजिप, तो यहाँ पर से आप जिप को जो है वो अनजिप भी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी टाइप की भी सोल्यूशन चाहिए तो आप नीचे जरूर से कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो शेयर कीजिए सोशल मीडिया में अपने दोस्तों फैमिलीज के साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको मिलती है डेली एक न्यू वीडियो न्यू टाइप की, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही और कल मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे टेक रूम और कल मिल जाएगी आपको एक और न्यू वीडियो।